नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, भारतीय रेलवे के अमृतकाल में मोदी सरकार में जब भी कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो सरकार की तरफ से सफाई ये सामने आती है कि लोको पायलट से मानवीय भूल हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे लोको पायलट क्या मानवीय हालात में काम करते हैं? राहुल गांधी ने लोको पायलट से बातचीत की तो उनका दर्द उभर कर सामने आ गया कि कितने घंटे वो काम करते हैं, किन हालात में उनको काम करना पड़ता है और क्या किसी इंसान के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई इतने घंटे इतने खराब हालात में काम करता है तो क्या वो अपने काम के साथ इंसाफ कर सकता है? राहुल गांधी के साथ बातचीत में मोदी सरकार को कैसे आईना दिखाते हैं लोको पायलट, ये वीडियो जरा देखिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी को ये वीडियो दिखाते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा। पहले लोको पायलट की बात आप सुनिए, उनका दर्द सुनिए जो मोदी सरकार को आईना दिखाते हैं। तो सबसे बड़ी आपकी मुश्किल क्या है? ड्यूटी आवर्स है सर। ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी आवर्स, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी आवर्स। एवरेज कितना ड्यूटी आवर्स आता है? 14 घंटा सर। 14 आवर्स, एंडलेस, 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 प्योर एक्सपीरियंस, एंडलेस। तो जब आप कहते हो 14 आवर्स, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? एक दिन में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स। तो मान लीजिए आपने आज शुरू किया, 14 घंटे आपको चलाना है, उसके बाद आपको ब्रेक कितना मिलता है? मिनिमम रेस्ट 8 आवर्स। 14 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 14 घंटे की शिफ्ट होती है और वो भी किन हालात में ये शिफ्ट होती है? आगे लोको पायलट अपना दर्द बताते हुए क्या कहते हैं जरा सुनिए। ये सस्टेन कैसे किया जा सकता है? मजबूरी है सर, कर रहा है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, ये 2 दिन 5 दिन 10 दिन कर दिया, महीनों करते हैं, मगर ये महीनों कैसे करते हैं? महीना में 15 सालों। ब्रेक आपको कितनी मिलती है? चार महीने में 4 है 30 आवर्स का रेस्ट, 16 है हेडक्वार्टर आने पर, और महीने में 4 को 30 साल में आपको कितनी छुट्टी मिलती है? सर छुट्टी मिलती नहीं, छुट्टी अगर कोई लगाता है तो पनिशमेंट मिलता है, काट देता है। किसी ने लगाया, अगर छुट्टी चलेगी, उनके घर में शादी है, उनके घर में डेथ केस हो गई, तो उनको पनिशमेंट मिलता है, उनको चार्जशीट। बहुत मुश्किल से छुट्टी, बहुत मुश्किल केस है। तब हाई पावर कमेटी ने स्वयं कहा, रेलवे ने, सरकार ने 2013 में हाई पावर कमेटी बनाई, डीपीसी पार्टी कमेटी, उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा कि लोको पायलट जो है एक डिस्टिंक्ट डिग्री का स्टाफ है, इसका रेस्ट बहुत कम है, 30 घंटे ही रेस्ट है, ये बहुत ही इनएडुकेट है, मिनिमम 40 आवर्स रेस्ट मस्ट बी गिवेन। बट मेन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि ये रिक्रूटिंग नहीं करते। यस, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। हम लोगों को लिए जो पनिशमेंट के लिए एचओआर रूल बनाया गया है, एचओआर रूल पनिशमेंट के लिए, इतना टाइट लोकोमोटिव पायलट हो, जी सर, जी सर, इतना टाइट रूल है सर कि 8 आवर ड्यूटी 12 आवर ड्यूटी हम कैमरे के सर्वेलांस में करते हैं, वो भी अगर एक पैर के ऊपर पैर भी रख लिया ना तो भी हम पनिशमेंट के भागीदार। वो चाय भी नहीं पी सकते उस दौरान। नेचर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, हम लोग रोक के चलते 4-5 घंटे नेचर कॉल। बट इसका आइडिया क्या है इसके पीछे? आप मानव नहीं है, आप मशीन है, आप मशीन है, मतलब आप इंजन के पार्ट। यस सर, यस, आई एम पार्ट ऑफ लोको। तो ये तो आपको टॉर्चर कर रहे हैं भाई। ये तो बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। तो लोकोमोटिव में टॉयलेट नहीं है? नहीं सर, यूरिनल तक नहीं है, यूरिनल नहीं है, टॉयलेट तो सर छोड़ दीजिए, यूरिनल नहीं है। सर, सर विडंबना ये है कि अब लेडीज लोको पायलट है, और 8 घंटे रनिंग कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक, मतलब लॉजिक क्या है इसका? एसी नहीं हो और उसमें आप देखिए ड्राइवर कैसे वर्किंग, कितनी हार्ड वर्किंग कैसे कर रहा है वो, आप आधा घंटे से ज्यादा खड़े नहीं हो पाएंगे इंजन में। एक सवाल है इसमें, अगर आप 2-3 चीज बदल सकते डिजाइन में, डिजाइन इम्प्रूवमेंट कर सकते तो क्या करते? क्योंकि सर ये जो इंजन है, ये जो आए हैं फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर इसके लिए अनुकूल था, लेकिन इंडिया में जब टेम्परेचर, ये इंजन इंजन नहीं है, तो सर जब टेम्परेचर बाहर 45 होता है तो इसमें 6-8 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और सर अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा आपके डिसीजन लेने की क्षमताओं में कमी आती है। और ट्रेन में एसी होता है? ट्रेन में एसी होता है, सप्लाई हम देते हैं, इंजन छोटा सा एसी लगाना है। हाँ सर, लोगों के बाद जितने भी हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वही विदाउट एसी के हैं। चेंज क्या लाएंगे आप सर? ये मतलब कई बार ऐसा होता है यूरिन रोकने से सर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। पहले फीमेल स्टाफ इतने नहीं था, फीमेल स्टाफ भी रनिंग में बहुत आ रहे हैं तो सर उनके साथ बहुत बड़ी समस्याएं होती है यूरिन को लेकर के। अगर आप ड्राइवर को एसी नहीं दे रहे हो
टॉयलेट नहीं दे रहे, टाइम पर भोजन, यस सर। और सर चार नाइट ड्यूटी, आप रेलवे के अग्निवीर हो, यस सर, अग्निवीर, रेलवे के मजदूर हो आप। सर सर यहाँ तक हर साल हमारे डिपार्टमेंट से 200 से 300 लोग निकल रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, मतलब वो बीमार हो गए हैं रनिंग कैटेगरी के, फिर मतलब हमारे रेस्ट पे ध्यान नहीं, हमारे सोशल लाइफ पे ध्यान नहीं, हमारा हेल्थ पे ध्यान नहीं, मतलब ये सब चीज़ें सर हमारा जो मानवाधिकार है उसका हत्या हो रहा है। सर घर में संसद में Yes, आपके इश्यूज उठाऊं तो अगर तीन बात बोल पाऊं तो तीन बात क्या हो? सर इंसानों की तरह हमें भी 8 घंटे 9 घंटे में ड्यूटी खत्म करवाएं, और दूसरा सर इंजन इस तरह का हो कि हम इंसान जैसे रहे, 54-55 डिग्री सी तापमान में अगर किसी से आप 16 घंटे ड्यूटी कराएंगे तो वो इंसान तो नहीं रह पाएंगे, अभी तक रिलीज नहीं किया। दूसरा सर एक ये है कि डेली की अपर लिमिट इनकी डिसाइड नहीं, ये जितना चाहेंगे उतना काम लेंगे, डेली की अपर लिमिट डिसाइड हो सर, और नाइट ड्यूटी 2 नाइट से ज्यादा ना हो, ये वीकली अप जो है 2 नाइट और एक डे बेसिकली जो लोकोमोटिव ड्राइवर है, लोकोमोटिव पायलट है, उसको एक ट्रीटमेंट मिल रहा है, और जो दूसरे लोग हैं नॉन मूवमेंट वाले उनको दूसरा ट्रीटमेंट, और रेलवे का पूरा बजट का फायदा उधर जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिल, यही है। जबकि हम लोग ट्रेन चलाने में पूरा जिम्मेदारी हम ही का है। आपको डर लगता है कि ये प्राइवेटाइज कर देंगे? हो रहा है सर, हो रहा है, हमारा इनकेसिंग में जा रहा है पैसा, भविष्य सिक्योर नहीं है सर, इसलिए ओपीएससी बहुत बड़ा मुद्दा है, हम लोग बार बार आंदोलन करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो राहुल गांधी के सामने लोको पायलट अपना दर्द बताते हैं कि किन हालात में वो नौकरी करते हैं, 14-14 घंटे की शिफ्ट होती है, इंजन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एसी की व्यवस्था नहीं है, और 14 घंटे वहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, छुट्टी अगर लेते हैं तो पनिशमेंट मिलता है, तो इस तरह के वर्क कल्चर में हमारे लोको पायलट को नौकरी करनी पड़ती है, और स्टाफ की भारी कमी की वजह से छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैं आपकी आवाज संसद में उठाऊं तो क्या मुद्दे उठाने चाहिए। दोस्तों जनता के बीच जाने का यह फायदा होता है कि नेता को पता चलता है कि जनता की समस्याएं क्या हैं। अब राहुल गांधी ने लोको पायलट के दर्द को समझा है, संसद में आवाज उठाने का वादा किया है। अच्छी बात है कि नेता विपक्ष ने लोको पायलट के दर्द को समझा है। मैं तो कहता हूं कि पीएम मोदी को भी ऐसी चर्चाएं करनी चाहिए। जो हमारे देश की वर्क फोर्स है, इंडियन रेलवे को भारत की लाइफ लाइन माना जाता है, उनके लोको पायलट से भारत के प्रधानमंत्री को भी ऐसे ही संवाद करना चाहिए जैसे पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है खिलाड़ियों के साथ चर्चा करते हैं, ओलंपिक में अब हमारे खिलाड़ी गए तो उनके साथ भी चर्चा की, तो हमारे देश की जो वर्क फोर्स है उसके साथ भी देश के प्रधानमंत्री को संवाद करना चाहिए और समस्याएं भी सुननी चाहिए। सिर्फ तारीफ सुनने के लिए इवेंट आयोजित नहीं करने चाहिए, समस्याएं अगर आप सुनेंगे तो आप समाधान की तरफ जाएंगे। और लोको पायलट से मुलाकात के बाद राहुल गांधी क्या कहते हैं पीएम मोदी को? नरेंद्र मोदी की सरकार में लोको पायलट के जीवन की रेल पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। गर्मी से खोलते कैबिन में बैठकर लोको पायलट 16-16 घंटे काम करने को मजबूर हैं। जिनके भरोसे करोड़ों जिंदगियां चलती हैं उनकी अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रह गया है। यूरिनल जैसी बेसिक सुविधाओं में भी वंचित लोको पायलट के ना काम के घंटों की कोई लिमिट है और ना ही उन्हें कोई छुट्टी मिलती है, जिसके कारण वो शारीरिक और मानसिक रूप से टूटकर बीमार हो रहे हैं। ऐसे हालात में लोको पायलट से गाड़ी चलवाना उनकी और यात्रियों की जान को जोखिम में डालना है। इंडिया लोको पायलट के अधिकारों और वर्किंग कंडीशंस को बेहतर किए जाने के लिए संसद तक आवाज उठाएगा। इस छोटी सी चर्चा को देखकर आप भी उनकी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों आप राहुल गांधी और लोको पायलट की इस बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं? क्या हमारे देश में इसी तरह की राजनीति हर दल के नेताओं को नहीं करनी चाहिए? अगर मतलब के मुद्दों पर बात होगी तभी देश आगे बढ़ पाएगा, अगर मतलब के मुद्दों पर बात होगी तभी 2047 तक जो पीएम मोदी विकसित भारत बनाने की बात करते हैं तभी संभव हो पाएगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मतलब के मुद्दों पर बात करेगा। आप राहुल गांधी के लोको पायलट से मुलाकात को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।